말이에. बिजनेस स्टडी का भी कंसेप्ट है जो वो भी हम काफी सारे टॉपिक्स आपके सामने रख चुके हैं और केस स्टडी से रिलेटेड भी एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आगे जो हमारी नेक्स्ट यूनिट चल रही थी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, हमने उसके बारे में डिस्कस किया था किसने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, किसने प्रिंसिपल ड्रॉप किए थे बच्चे? हेनरी फ्योल ने किए। हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल ड्रॉप किए थे, उन 14 के बारे में हमने लास्ट की वीडियो में डिस्कस किया था। जिन बच्चों ने वो हेनरी फ्योल वाले प्रिंसिपल्स के बारे में अभी तक नहीं पढ़ा वो पहले लास्ट की वीडियो देखें, उसके बाद हम साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है कंसेप्ट वो किसके द्वारा दिया गया? F.W. टेलर के द्वारा दिया गया। जैसे हेनरी फ्योल के द्वारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए गए थे वैसे ही साइंटिफिक मैनेजमेंट मतलब जो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो F.W. टेलर के द्वारा दिए गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है हमारी दोनों की, दोनों में से ही एग्जाम्स में आपके सामने कुछ ना कुछ टॉपिक पूछा ही जाता है, चाहे वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन हो, चाहे वो 3 मार्क्स का, चाहे वो 2 और 1 मार्क्स, लेकिन ये गारंटी है कि क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो फटाफट देखिए प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है क्या हमारी, कहता है इट रेफर्स टू दैट मैनेजमेंट व्हिच थिंक दैट by the scientifically analyzes the work it would be possible to find one best way to do it। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं क्या कि जैसे किसी काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, किसी काम को करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन हम कौन सा मेथड अडॉप्ट करेंगे जो हमारे लिए आसान होगा और जो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। जैसे घर से बाहर निकलने के बहुत सारे रास्ते हैं, क्या क्या हो सकते हैं? एक तो मेन गेट से तो निकलते ही निकलते हो आप, घर से बाहर निकलने के बहुत सारे रास्ते हैं, मेन गेट से तो निकलोगे ही निकलोगे, या फिर अपने पड़ोस वाले की छत पर जाओ, छलांग मारो अपने पड़ोस वाले की छत पर और उसके गेट से बाहर निकल आओ, या फिर आप किसी दूसरे गेट से बाहर निकल आओ घर से, मेन गेट ना होकर कोई छत से सीढ़ी आपने लगाई उस सीढ़ी से नीचे आ रहे हो आप। लेकिन सबसे ज्यादा अडॉप्ट होने वाला मेथड कौन सा है? सारे के सारे मेन गेट से ही बाहर निकलते होगे घर में से, ऐसा तो है नहीं छत से छलांग मारेंगे किसी दूसरे की छत पर जाएंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। सभी के सभी कौन सा मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं? मेन गेट से बाहर निकल, क्यों? क्योंकि वो आसान भी है, अच्छा भी है, बेस्ट भी है और उसी को क्या कर रहे हैं सारे फॉलो कर। तो यही लिख रहा है किसी काम को करने के बहुत सारे मेथड होते हैं लेकिन हम वो मेथड अपॉइंट करते हैं, वो मेथड अडॉप्ट करते हैं जो आसान है और जो अच्छा है हमारी फर्म के लिए। क्या लिख रहे हैं दोबारा से पढ़ते हैं, इट रेफर्स टू द मैनेजमेंट व्हिच थिंक दैट बाय द साइंटिफिकली एनालिसिस द वर्क, मतलब जिस काम को मेजर कर रहा है वो साइंस के रूप में मेजर कर रहा है, साइंटिफिकली मतलब वहां पर रूल रेगुलेशन लगा रहा है, अपनी मर्जी से किसी भी तरीके को अडॉप्ट नहीं कर रहा, किसी भी मेथड को अडॉप्ट नहीं कर रहा, साइंटिफिकली उस मेथड को अडॉप्ट कर रहा है। इट वुड बी पॉसिबल टू फाइंड वन बेस्ट वे टू डू इट, कहते हैं ये सबसे अच्छा मेथड है किस चीज का कि जिस काम को आपने करना है उसको सिलेक्ट करने, अपनी मर्जी से कोई भी मेथड सिलेक्ट नहीं किया जा रहा। जैसे घर से बाहर निकलना है तो अपनी मर्जी से कोई मेथड सिलेक्ट नहीं कर रहे। साइंटिफिक क्या कहता है कि अगर बाहर मेन गेट से निकलोगे वही आपके लिए क्या रहेगा, सेफ रहेगा। तो इसीलिए आपने एक बेस्ट मेथड सिलेक्ट करना है अपनी फर्म के लिए जिसके बेनिफिट्स आपको आपकी फर्म के अंदर दिखाई दे, किस तरह के बेनिफिट्स मिलेंगे आपको, आपका काम अच्छा होगा, आपका काम बहुत जल्दी होगा, पोस्ट के ऊपर ध्यान रहेगा, ये रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा। तो इसीलिए जब भी किसी काम को किया जाता है तो इस तरीके से किया जाता है जो हमारी मैनेजमेंट क्या कहती है, इफेक्टिव भी होना चाहिए और एफिशिएंटली भी होना चाहिए। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट हमें इसके बारे में बताता है।
आगे का लिख कर देखो, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजर किसने दिए, एफ डब्ल्यू टेलर ने। प्रिंसिपल्स क्या है हमारे, देखो प्रिंसिपल लिखता है फर्स्ट साइंटिफिक, साइंस इज नॉट रूल्स ऑफ थंब, जो साइंस है वो अंगूठा छाप नहीं है। अंगूठा छाप का मतलब कि यही चीज फिक्स नहीं है, जिसके ऊपर हमने उंगली लगा दी वही सही नहीं हो सकता, साइंस ये कह रहा है। मतलब साइंस कहता है कि रूढ़िवादिताओं को मत अपनाओ, रूढ़िवादिता का मतलब कि अपनी पुरानी आदतों को मत अपनाओ। जहां पर कोई चीज आपको अच्छी लगती है आप उस चीज को क्या कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। कौन कह रहा है, साइंटिफिक मैनेजमेंट है। जब हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे उसके अंदर हमने यही डिस्कस किया था कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो फ्लेक्सिबल है, अगर चेंज करना चाहे तो आसानी से क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। तो अब ये भी यही लिख रहा है साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या, कि जो साइंस क्या है, रूल ऑफ थंब नहीं है, कि रूढ़िवादिता के ऊपर ही चलना है। मतलब कहीं पर आपको लगता है कि ये फॉर्मूला गलत लग रहा है, मतलब यहाँ पर प्रिंसिपल गलत लगाया जा रहा है, तो आप उसको अपने ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। जौन सा मेथड आपको अच्छा लगे आप वहां पर वही मेथड क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। तो इसलिए भी लिखता है साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, कि जो साइंस है वो पुरानी आदतों को छोड़ भी सकते हो। इस तरह से फॉलो किया जाता है प्रिंसिपल, जिससे आपको आपका जो काम है, जो ऑब्जेक्टिव है, बहुत जल्दी अचीव हो सके। आप पुरानी आदतों के ऊपर मत रहो कि पिछली बार फॉर्म में ये मेथड फॉलो किया था तो इस बार भी हम यही मेथड फॉलो करेंगे, चाहे फॉर्म में लॉस हो जाए हमें कोई लेना देना नहीं। आपने फॉर्म्स के प्रॉफिट्स को इंक्रीज करना है, इसीलिए आप बेस्ट मेथड को एडॉप्ट करोगे, चाहे आपको पिछला क्या करना पड़े, अनफॉलो करना पड़े। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि हमेशा एक ही मेथड को फॉलो करना चाहिए, आप अपने मेथड को क्या कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। नेक्स्ट लिखता है हार्मोनी नॉट द डिस्कर्ड, मतलब जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, एम्प्लॉइज और वर्कर्स का जो रिलेशन है वो एक मिलके होना चाहिए। एम्प्लॉइज वर्कर्स या फिर जो हमारा हेड डिपार्टमेंट हो गया, उन सभी को मिलके काम करना चाहिए। ऐसे भावना नहीं होनी चाहिए वहां पर कि मैं तो इस फर्म का हेड हूं, मैंने जो कह दिया वही सही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। मेंटल रिवॉल्यूशन, मतलब जो दिमागी चेंज आना चाहिए एम्प्लॉइज में, वो प्रयत्न करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। कैसे, कि एम्प्लॉइज को भी क्या देनी चाहिए, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता देनी चाहिए, जिससे वो अपने थॉट्स फ्रीडम मिलेगी। तो जिससे अपने वो थॉट्स रखेंगे और वो अपने आप को एक फॉर्म में फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करेंगे, और जिससे नए नए विचार होगा, क्या होगा, आविष्कार होगा। टेक्निक्स भी चेंज की जा सकती है, ठीक है। तो इसीलिए लिखता है हार्मोनी नॉट द डिस्कर्ड, मतलब मिलजुल कर रहना चाहिए वहां पर, तू और मैं की भावना नहीं होनी चाहिए, हमारी भावना होनी चाहिए, हमारी मतलब मिलके काम करने की भावना होनी चाहिए, तभी हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखता है कोऑपरेशन नॉट द इंक्रीजिज्म, क्या मतलब है कोऑपरेशन, मिलकर काम करना, मतलब एक ग्रुप की भावना होनी चाहिए, एक अकेले पर्सन की मैं की भावना नहीं होनी चाहिए फर्म में। ऊपर की तरह ही हमें चाहिए भी, जैसे जो एम्प्लॉइज और जो हेड है उन सबको मिलके काम करना चाहिए, ऐसे नहीं कहा जाना चाहिए ये काम मेरे द्वारा किया गया, ऐसे कहा जाना चाहिए ये काम हमारे द्वारा किया गया, कोऑपरेशन की भावना होनी चाहिए। अगर किसी एम्प्लॉय या वर्कर से गलती हो भी गई, अगर किसी एम्प्लॉई या वर्कर से गलती हो भी गई तो भी उसे समझाकर उस गलती को क्या कर देना चाहिए, दूर कर देना चाहिए। आगे लिखता है डेवलपमेंट बाय द ईच एंड एवरी पर्सन टू बी फॉर हर द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, मतलब कोई पर्सन अपने विचारों को रखता है तो हमें उसकी भावनाओं की कदर करते हुए क्या कहना चाहिए कि ये काम बहुत अच्छा है। चेंज करना चाहे तो चेंज भी किया जा सकता है, लेकिन उसकी भावनाओं को अनदेखा नहीं करना चाहिए, उसकी तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए, ये लिखता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल्स क्या है, अगर कहीं पर रूल को चेंज करना पड़े, रूढ़िवादिता नहीं होनी चाहिए, मतलब चेंज करना चाहे तो कर भी सकते हैं, मिलकर रहना चाहिए, कोऑपरेशन की भावना होनी चाहिए, और जो एम्प्लॉइज या वर्कर्स के द्वारा विचार प्रकट किए गए हैं, कोई भी उन्हें प्रॉब्लम हो रही है तो उनको क्या करना चाहिए, दूर करना चाहिए, उनकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लिखता है क्या टेक्निक्स, जैसे हमारे प्रिंसिपल्स थे वैसे ही हमारी टेक्निक्स भी थी, मतलब जैसे कहता है कि टेक्निक्स भी हमारी कई टाइप्स में है,
आज हम सिर्फ और सिर्फ एक ही टेक्निक के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर। कौन सी टेक्निक लिख रहा है? फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप का क्या मतलब होता है? कि अपने कामों को बांट देना। जैसे वहां पर हमने डिवीजन ऑफ वर्क पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पर एक टेक्निक लिख रहा है क्या? फंक्शनल फोरमैनशिप। जैसे जो बंदा जिस चीज का एक्सपर्ट है वो काम उसी को ही सौंप देना, जिससे हमारा काम क्या होगा, जल्दी भी हो जाएगा और अच्छा भी हो जाएगा। क्या लिखता है? फंक्शनल फॉर्मेशन, फुल यूज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। मतलब प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है? कि उसी पर्सन को वो काम सौंपना जो उसके अंदर निपुण है, जिससे हम अपनी फर्म के ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। क्लियर है? फंक्शनल फॉर्मेशन का मतलब यही होता है कि काम को क्या कर देना, डिवाइड कर देना। जैसे एक फैक्ट्री मैनेजर फैक्ट्री के अंदर दो डिपार्टमेंट बना दिए, और भी आप ड्राइव कर सकते हो। जैसे प्लानिंग ऑफिसर हो गया और प्रोडक्शन ऑफिसर हो गया, प्लानिंग ऑफिसर और प्रोडक्शन ऑफिसर, सेल ऑफिसर बना दो या फिर फाइनेंशियल डिपार्टमेंट बना दो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट बना दो, कोई भी डिपार्टमेंट डेवलप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो कहते हैं प्लानिंग ऑफिसर में ये वाले जो वर्कर्स है इस तरह से डिवाइड कर, एक डिवाइड कर दिया रूट क्लियर, एक डिवाइड कर दिया इंस्ट्रक्शन, एक टाइम और एक डिसिप्लिन। ऐसे ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक गैंग बॉस हो गया, स्पीड बॉस हो गया, रिपेयर बॉस हो गया और एक इंस्पेक्टर हो। तो कहते हैं प्लानिंग जो ऑफिसर है का काम होएगा, नाम से ही स्पष्ट है, प्लान करना। तो कहते हैं सबसे पहले रूट क्लर्क। रूट क्लर्क का क्या काम है? डिसाइड करना है कि हमें जो ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना है, जो काम करना है वो कैसे करना है। रास्ता डिसाइड किया जाएगा कि अपने एम्प्लॉइज ने किस काम के ऊपर काम, हमने अपने एम्प्लॉइज को क्या काम देना है, हमने एम्प्लॉइज को क्या काम देना है, हमारी फर्म का क्या ऑब्जेक्टिव है, किस पोस्ट पर कौन सा पर्सन होना चाहिए। मतलब रास्ता डिसाइड कर रहा है। इंस्ट्रक्शंस द कार्ड क्लर्क। अब पहले तो एक चार्ट प्रिपेयर किया था कि कौन सी पोस्ट पर क्या होना चाहिए, उनको इंस्ट्रक्ट करना कि आपने इस पोस्ट पर जाना है, आपने इतनी यूनिट की प्रोडक्शन करनी है, आपने इतने टाइम के अंदर हमें करके देना। मतलब कोई भी काम हो सकता है इंस्ट्रक्ट करने का, टाइम एंड पोस्ट क्लर्क। इसका क्या काम होगा? ये टाइम टू टाइम चेक करेगा, मतलब कि जो काम है इफेक्टिवली हो रहा है, एफिशिएंटली हो रहा है या नहीं हो रहा। इफेक्टिवली का मतलब टाइम के अकॉर्डिंग पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा। हमने बोला था कि 10 दिनों के अंदर हमें इतनी यूनिट चाहिए, तो 10 दिनों में वो यूनिट बनकर तैयार हो जाएंगी या नहीं होंगी। हमने कहा था कि हमें 100 रुपए में ये यूनिट चाहिए, तो 100 रुपए में बन रही है या नहीं बन रही, तो ये किसका काम होगा? टाइम एंड पोस्ट क्लर्क का। डिसिप्लिन ऑफिसर, या फिर जैसे उसको बताना कि कितनी देर में ये काम हो सकता है, इस टाइप में काम किया जाएगा। फिर कहते हैं डिसिप्लिन ऑफिसर। डिसिप्लिन ऑफिसर का मतलब क्या है कि वहां पर क्या डिसाइड करना, डिसिप्लिन मतलब अनुशासन बनाए रखना, जिससे हम अपनी फर्म में क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लानिंग ऑफिसर्स के इस तरह से और भी पार्ट्स कोई भी बना सकता है। जो जो प्लानिंग ऑफिसर का काम है उसके पार्ट्स डिवाइड किए जा सकते हैं। ये एग्जांपल लिया गया क्या कि रास्ता डिसाइड किया जाएगा, इंस्ट्रक्ट किया जाएगा, टाइम या पोस्ट के अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा ये चेक किया जाएगा, और डिसिप्लिन चेक किया जाएगा कि वहां पर डिसिप्लिन है। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफिसर। जैसे एक डिपार्टमेंट का कोई हेड होता है, लीडर होता है, वैसे प्रोडक्शन ऑफिसर ने क्या कर दिया है, गैंग बॉस क्रिएट कर दिया। गैंग बॉस क्या करेगा? सभी को चेक कर रहा है। स्पीड बॉस क्या करेगा? काम प्रॉपर चल रहा है या नहीं चल रहा, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही काम में। रिपेयर बॉस क्या करेगा? मशीनरी जो है प्रॉपर चल रही है या नहीं चल रही, मतलब मशीनरी में कोई रिपेयरिंग की जरूरत तो नहीं है, इस तरह का काम चेक करेगा। इंस्पेक्टर क्या करेगा? काम को चेक कर रहा है। ये प्लान कर रहे थे और ये क्या कर रहे हैं, काम के ऊपर क्रियाएं कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं। तो ये किसका काम है? फंक्शनल डिपार्टमेंट का। उसने दो ऑफिसर डिसाइड कर दिए। ऐसे आप भी काफी सारे डिवाइड कर सकते हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, बहुत सारे डिपार्टमेंट हो गए, तो इस तरह से डिवाइड किए जा सकते। ठीक है, तो आज का टॉपिक था साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है, कि एक इस तरह का रास्ता ढूंढना जो क्या हो, आसान हो और जिससे काम क्या हो जाए, जल्दी हो जाए। काम को करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन हम उस मेथड को अडॉप्ट करते हैं जो हमारे लिए आसान हो। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा कि साइंस रूल ऑफ थंब नहीं है, हार्मोनी नॉट डिस्टर्ब, मतलब जो वहां पर काम कर रहे हैं एम्प्लॉई मिलकर काम करना होनी चाहिए, तालमेल की भावना होनी चाहिए, और क्या पढ़ा, कोऑपरेशन की भावना होनी चाहिए, और लास्ट में पढ़ा कि जो हिज और हर को क्या होना चाहिए, वहां पर कोई भी काम कर रहा है तो सभी को बराबर
सम्मान मिलना चाहिए, किसी से भेदभाव की भावना नहीं होनी चाहिए। उसके बाद पड़ा टेक्निक्स, फंक्शनल फॉर्मैनशिप, मतलब कि जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं वो क्या होने चाहिए, स्पेशलाइज होने, मतलब इस तरह से एम्प्लॉइज को सिलेक्ट करना चाहिए जो एक्सपर्ट हो उस चीज़ में। तो ये पढ़ा, तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, प्लानिंग और प्रोडक्शन। प्लानिंग का काम है रास्ता डिसाइड करेगा, इंस्ट्रक्ट करेगा, टाइम चेक करेगा, कॉस्ट डिसाइड करेगा कि कितनी देर में ये काम हो जाना चाहिए, और डिसिप्लिन मेंटेन करने की हेल्प करेगा। प्रोडक्शन क्या करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हेड होगा जिसका नाम गैंग बॉस रखा जाएगा। स्पीड बॉस होगी, मतलब स्पीड चेक करेगा काम प्रॉपर स्पीड से चल रहा है या नहीं चल रहा। रिपेयर मतलब मशीनरी सही चल रही है या नहीं चल रही। इंस्पेक्टर मतलब काम को इंस्पेक्ट करता रहेगा टाइम टू टाइम। और ये सभी काम किसको दे रहे हैं, एक वर्कर को दे रहे हैं, मतलब ये वर्कर्स के ऊपर कमांड रख रहे हैं, ठीक है, वर्कर्स को चेक कर रहे हैं। तो ये हमारा आज का काम था, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कई बार एग्जाम में फंक्शनल फॉर्मेटशिप एक अकेला भी पूछ लिया जाता है, इसीलिए आज हमने सिर्फ इसी के बारे में डिस्कस किया। एक वीडियो और चलेगी इस यूनिट के ऊपर, उसके बाद केस स्टडी लाई जाएगी आपके लिए। तो केस स्टडी तभी समझ आ सकती है जब आपने ये वीडियोस देखी। जिन्होंने अभी प्रिंसिपल्स वाली वीडियो नहीं देखी, वो पहले प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट देखें, उसके बाद साइंटिफिक मैनेजमेंट देखें, फिर ही केस स्टडी समझ आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। तो इसीलिए नोट्स प्रिपेयर करते रहना साथ साथ, और अपना ध्यान रखना, घर पर ही रहना, बाहर भी नहीं जा सकते, गर्मी चल रही है, तो इसीलिए नोट्स बनाना, घर पर रहो, पेरेंट्स के साथ रहो, अपना ध्यान रखो, पेरेंट्स का ध्यान रखो। इतना ही कहेंगे बच्चे, ओके, थैंक यू, बाय।